इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट और उसके प्रभाव के बारे में। इस विषय का हमारा रोजाना जिंदगी में काफी उपयोग है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। हम देखेंगे कि बैटरी क्या होती है और विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हम इसका उपयोग हम फ्यूज के द्वारा देखेंगे। और हम देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और हम उसके उपयोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक बेल के द्वारा। अब हम एक साधारण इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं। यह सर्किट एक प्रकार का खेल है जो स्थिरता का परीक्षण करता है एक व्यक्ति के हाथों की। इसमें हमें चाबी को तार के एक कोने से दूसरे कोने में ले जाना होता है बिना तार के संपर्क में लाए। अगर तार चाबी से छू जाती है तो बल्ब जल जाता है। हमने देखा कि इस सर्किट में एक सेल, एक बल्ब, एक स्विच और तारों जैसे कुछ बुनियादी विद्युत घटक शामिल किए गए हैं। ये घटक सर्किट में शामिल है और उनका निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे कि पिछले सर्किट में दिए हुए घटकों के क्या उपयोग हैं। सेल ये सर्किट में बिजली की आपूर्ति करता है और इसका इलेक्ट्रिक सिंबल हमने बगल में दे रखा है। बल्ब बिजली के गुजरने पर यह चमक जाता है जिससे हमें पता चलता है कि इसमें से हम बिजली गुजरी है। इसका भी सिंबल हमने बगल में दे रखा है। अब हम देखेंगे कि सर्किट में स्विच का क्या उपयोग होता है। स्विच ऑन यह सर्किट से बिजली से प्रवाह करने की अनुमति देता है और स्विच ऑफ सर्किट से बिजली प्रवाह करने की अनुमति नहीं देता है। और तार सर्किट से विभिन्न घटकों को जोड़ने का काम करती है। अभी तक हमने जितने भी सर्किट देखे उसमें सिर्फ एक ही सेल का प्रयोग किया गया है। जब दो या दो से अधिक कोशिकाओं या सेल का संयोजन किया जाए तब वह बैटरी कहलाता है। एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तब वह बैटरी कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के बारे में यानी हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिजली का करंट गुजरने पर तार गर्म हो जाती है। यह विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव होता है। सभी ताप उपकरणों में तार का एक कुंडल यानी कॉइल या गुच्छा होता है। तार के इस कुंडल को गर्म करने वाला तत्व या एलिमेंट कहा जाता है। इस तार में उत्पादित गर्मी की मात्रा इसकी सामग्री यानी कंपोनेंट यानी एलिमेंट और इसकी लंबाई या लेंथ और इसकी मोटाई या थिकनेस पर निर्भर करती है। एक बिजली के बल्ब का रेशा या फिलामेंट इतने ऊंचे तापमान पर गर्म हो जाता है कि वह चमकने लगता है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूज के बारे में जो ताप प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट का एक उदाहरण होता है। कुछ विशेष सामग्रियों से बने तार जल्दी से पिघल जाते हैं और तब टूटते हैं जब बिजली की विद्युत धारा एक माध्यम से गुजरती है। इन तारों का उपयोग बिजली के फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। वर्तमान पर एक अधिकतम सीमा है जो सुरक्षित रूप से एक सर्किट के माध्यम से प्रवाह कर सकती है। अगर गलती से करंट इस सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो तार ओवर हीट होके पिघल सकती है, अलग हो सकती है या उसमें आग भी लग सकती है। यदि सर्किट में उचित फ्यूज लगाया है तो वह सर्किट में आग लगने से पहले ही सर्किट तोड़ देगा। एक फ्यूज इस प्रकार का सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत सर्किट और संभावित आग को नुकसान से बचाता है।
अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हम इसे एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। हमें एक त्याग दिए गए माचिस के अंदर से कार्डबोर्ड ट्रे लेनी है और कार्डबोर्ड ट्रे के चारों ओर एक विद्युत तार लपेटनी है। इसके अंदर एक छोटे कंपास की सुई रखें और अब इस तार के मुक्त सिरे को स्विच के माध्यम से इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ देना है, कनेक्ट करना है। आप इस नीचे दिए हुए चित्र में देख सकते हैं। स्विच ऑन करने के बाद हमने देखा कि कंपास की सुई अपने स्थान से हिल गई। ऐसा क्यों हुआ? हम जानते हैं कि कंपास की सुई एक छोटे चुंबक की तरह होती है जो उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित रहती है। जब हम लाते हैं इसके पास एक चुंबक, तब सुई विपेक्षित या अलाइन हो जाती है। और इस एक्टिविटी में हमने यह भी देखा कि जब पास की तार से करंट प्रभावित होता है, तब भी यह कंपास की सुई विक्षेपित होती है। इसलिए जब विद्युत प्रवाह एक तार से गुजरता है, तो यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्रकार का चुंबक है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत प्रवाह के द्वारा निर्मित होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आत्म तौर पर एक तार के तार घाव से मिलकर बनते हैं। तार के माध्यम से एक धारा एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो खुद में केंद्रित होती है, जो कुंडल के केंद्र को दर्शाती है। विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग चुंबकीय सामग्री को कबाड़ से अलग करने के उपयोग भी आता है। डॉक्टर चुंबक के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करते हैं। जो सामग्री गलती से आंखों या कहीं और शरीर में गिर जाती है, कहीं खिलौनों के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। इसमें एक विद्युत चुंबक के रूप में तार के घाव का तार होता है। कॉइल एक छोर पर हथौड़े के साथ एक लोहे की पट्टी का कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट के करीब रखा जाता है। लोहे की पट्टी के पास एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पट्टी पेच के संपर्क में होती है, तो तार के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है जो विद्युत चुंबक बन जाता है, जिससे लोहे की पट्टी विद्युत चुंबक बन जाती है। यह फिर लोहे की पट्टी खींचती है। इस प्रक्रिया में पट्टी के अंत में हथौड़ा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए घंटी के गोंग पर प्रहार करता है। आप नीचे दिए हुए चित्र में इलेक्ट्रिक बेल देख सकते हैं। चलिए एक बार संक्षेप में देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है। प्रतीकों द्वारा विद्युत घटकों का प्रतिनिधित्व करना सुविधाजनक है। इसके उपयोग करते हुए एक विद्युत सर्किट को एक सर्किट आरेख द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार गर्म हो जाती है। यह करंट का ताप प्रभाव है। इस आशय के कई अनुप्रयोग हैं। कुछ विशेष सामग्रियों से बने तार जल्दी से पिघल जाते हैं और तब टूटते हैं जब बड़ी मात्रा में विद्युत धाराएं उनके माध्यम से गुजरती हैं। इन सामग्रियों का उपयोग बिजली के फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है, जो आग से बिजली के उपकरणों का नुकसान बचाते हैं। जब एक विद्युत प्रवाह एक तार के माध्यम से बहती है, तो यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है।
लोहे के टुकड़े के चारों ओर लिपटे हुए एक अछूत तार की कुंडल ले जाने को विद्युत चुंबक कहा जाता है। विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। और आज हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे उपकरण होते हैं। इस वीडियो के द्वारा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।